पंजाब के बठिंडा में मुर्गों की लड़ाई कराने का मामला सामने आया है। इसके लिए विधिवत कंपटीशन और जीतने वाले मुर्गे के मालिक को इनाम देने की भी व्यवस्था थी। ये कंपटीशन चल ही रहा था कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आयोजकों में 3 लोगों को अरेस्ट किया। वह एक मुर्गे को भी हिरासत में लेते हुए उसे केस प्रॉपर्टी बनाया है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद इस मुर्गे को एक मुर्गा पालक के पास रखा गया है। मुर्गा पालक को हिदायत दी गई है कि मुर्गे को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे मुर्गा पालक की सिरदर्दी बढ़ गई। मामला बठिंडा के बलुआना गांव का है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में इस गांव में मुर्गों की प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में मुर्गों को लड़ाया जा रहा था। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान सभी आयोजक तो मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से एक मुर्गे को पकड़ लिया था। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर एक मुर्गा पालक के पास पहुंचा दिया। वहीं बाद में आयोजकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक चूंकि इस मुकदमे में मुर्गा केस प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे सार संभाल के लिए उसे एक मुर्गा पालक के पास रखवा दिया गया। पुलिस नियमित वहां जाकर मुर्गे की खोज खबर भी ले रही है। मुर्गा पालक को हिदायत दी गई है कि इस मुर्गे को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में 3 आयोजकों को अरेस्ट कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मुर्गों की लड़ाई वाली इस प्रतियोगिता में कुल 11 पुरस्कार रखे गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।